अंतर्गत 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है, वो इस बार भी मनाया जा रहा है। उसी की पूर्व संध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कि ये बताने के लिए कि हमारा लक्ष्य भारतवर्ष से 2025 तक टीवी का उन्मूलन करना है और थीम दी गई है द क्लॉक इज टिकिंग, मतलब 2025 आ रहा है और भारत क्षय रोग से मुक्त होने वाला है। एक आखिरी दम लगाना है जिसमें हमको मीडिया का भी और सबका सहयोग। ये अभी दस्तक अभियान हमारा चल रहा है। दस्तक अभियान में घर घर हमारी टीमें जा रही हैं और वहाँ से टीवी के रोगियों को खोज के ला रही हैं, उनका जांच कराया जा रहा है, उनका दवा कराया जा रहा है और उनके पोषण के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। टीवी के से ग्रसित मरीजों का मुफ्त इलाज और इलाज उनके घर पे भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको अस्पताल में आना पड़े, अस्पताल में केवल जांच कराने के लिए समय समय पे आना पड़ता है और उनको उनके पोषण के लिए भी 500 रुपये उनको दिया जाता है कि ताकि दवा के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य को भी सुधार सके। कोरोना के लिए हम लोगों को इस समय बहुत अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है, इसलिए कि हमारे आस पड़ोस के स्टेट्स में राज्यों में कोरोना का फैलाव अधिक है और हमारा प्रदेश और हमारा जनपद अभी इस चीज़ से थोड़ा सा बचा हुआ है और हमारा ये प्रयास है कि बचा रहे। उसके लिए हम लोग रेलवे स्टेशन को फोकस कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। हमारी टीम 24 घंटे वहाँ जांच में लगी हुई है और देखने में ये आया है कि जो बाहर से आने वाले रोगी हैं उनकी उसमें से ज़्यादा केसेज हमारे पास निकल रहे हैं और उनको हम वहीं ट्रैक करके उनको आइसोलेशन में या हॉस्पिटल में करके और उनका जांच करके उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराते हैं और जो भी उनके कॉन्टैक्ट मिलते हैं उन सबकी जांच करवाई जाती है और यही हमारे पास एक जरिया है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसी स्थिति में रोक सकें। जागरूकता के लिए ये है कि अब हमारा टीकाकरण भी शुरू हो गया है और हमारा सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, जिला अस्पतालों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे कोविड टीकाकरण शुरू हो चुका है, जिसमें सप्ताह के 6 दिन सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में और सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। अभी जो हमारे पास कैटेगरी दी गई है वो 60 साल से ऊपर सारे बुज़ुर्गों को टीका लगाया जाएगा और 45 साल से लेकर 60 साल के बीच में जो भी बीमार मरीज हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, किडनी की बीमारी हो गई या अन्य कोई बीमारी हो गई, ऐसे मरीजों को भी टीका प्राथमिकता के आधार पर लगाया जा रहा है।